मोंटी कार्लो सिमुलेशन। मोंटी कार्लो सिमुलेशन जो ये मेथड है, इसको जो डेवलप किया था वो जॉन न्यूमैन ने इसको डेवलप किया था 1949 में। और मोंटी कार्लो एक ऐसी तकनीक है जिसका नेम जो है बेसिकली ड्राइव किया गया था फ्रांस की सिटी के साथ जिसका नाम था मोंटी कार्लो। बेसिकली ये सिटी जो है कंसीडर की जाती थी या नॉन थी फ्रॉम गैम्बलिंग, ठीक है। उसी पर्पस को यूज किया गया मोंटी कार्लो सिमुलेशन के अंदर, लाइक रैंडम नंबर जो है वो प्योर डिपेंड कर रहे हैं इस मोंटी कार्लो एक्सपेरिमेंट में या मोंटी कार्लो मेथड में। लाइक जब हम गैम्बलिंग की बात करते हैं तो हम डाई को टॉस करते हैं, तो डाई को जब हमने टॉस किया तो यहाँ हमारे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम है जो हमें पता है कि डाई टॉसिंग के दौरान हमें मिलेगी। बट वी कांट से कि हम जब टॉस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। दिस इज डिपेंड अपॉन द रैंडम नंबर। लेट्स से अभी मैंने डाई टॉस की, मुझे 5 आया, नेक्स्ट टाइम अगेन मैं डाई टॉस करता हूँ मुझे 6 मिलेगा। या सेम अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ या मुझे हेड आएगी या टेल जो है वो आउटकम के अंदर शो होगी। तो सेम जो ये कॉन्सेप्ट है रैंडम नंबर्स का, ये आपका इस सिमुलेशन के ऊपर यूज हो रहा होता है। बेसिकली रैंडम नंबर्स जो है इन्हीं को हम यूज करते हुए आगे रैंडम वेरिएट जनरेट करते हैं, और उन्हीं रैंडम वेरिएट के साथ जो आप अपने सिमुलेशन के मॉडल के अंदर स्टेटिस्टिक्स जो डेटा सेट ऐड करते हैं वो उन्हीं रैंडम वेरिएट के थ्रू एंटिटीज की क्रिएशन का बाइस बनता है। रैंडम नंबर जनरेट करने के बहुत सारे मेथड हैं जो कि हम लेटर ऑन इस कोर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे, बट फॉर नाउ हमारा जो फोकस है वो मोंटी कार्लो सिमुलेशन के ऊपर है। और मोंटी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू हम डिफरेंट रैंडम नंबर्स को जनरेट करेंगे, और देन रैंडम नंबर्स की जनरेशन के थ्रू हम पाई की वैल्यू को अगेन कैलकुलेट करेंगे। जैसे बफर नीडल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, अब सेम हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू यूजिंग द एक्सेल स्प्रेडशीट इन्वायरमेंट हम पाई की वैल्यू को अगेन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो मोंटी कार्लो इज अ मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग थिंग्स यूजिंग द सैंपल्स। तो मोंटी कार्लो का मेथड क्या है, ये आपके रिजल्ट्स को अगेन अप्रोक्सीमेट कर रहा है यूजिंग द सैंपल, जितने भी सैंपल्स आप परफॉर्म करेंगे अपने एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान। सो सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या मतलब है, इट मीन रन द सिमुलेशन मैनी टाइम। जितनी दफा ज्यादा आप सिमुलेशन को रन करेंगे ईच टाइम विद डिफरेंट पैरामीटर टू फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पैरामीटर। हम डिफरेंट पैरामीटर के साथ अपनी सिमुलेशंस को मैनी टाइम्स जब परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास बेस्ट ऑप्टिमल पैरामीटर्स जो है वो ऑप्टेन होंगे, जिसको हम सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जो कि हमने अपने पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी कवर किया था कि हम किस तरह से अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम एनालिटिकली जिसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, हम किस तरह से उसको सिमुलेशन के थ्रू उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो मोंटी कार्लो सिमुलेशन का जो मेथड है उसको हम किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, इन दैट केस हम एक कंसीडर करेंगे यूनिट स्केयर। मतलब हमारे पास एक स्केयर है और उस स्केयर का जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास 1/1 है। लाइक ये मेरे पास एक स्केयर है और इसकी लेंथ और जो हाइट है या विड्थ है वो मेरे पास 1/1 है, तो हमने एक यूनिट स्केयर जो है वो कंसीडर किया है। ओके, सो देन हम क्या करेंगे, उस स्केयर के अंदर एक सर्कल ड्रा करेंगे, दैट इज इनस्क्राइब होगा उस स्केयर के अंदर। सो वी कैन से द जो रेडियस है सर्कल का वो 1/2 है। लाइक ये मेरे पास एक स्केयर है इसके अंदर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1/2 होगा। वी नो दैट द टोटल जो डायमीटर है इस सर्कल का वो 1 है। हाउ, स्टेयर जो है उसकी वैल्यूज 1/1 है, सो फ्रॉम द सर्कल एरिया दैट इज पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो रेडियस जो है वो 1/2 है, जब उसमें सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास पाई बाई 4 इज द रेडियस और यू कैन से एरिया ऑफ द सर्कल। सो सपोज दैट हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डॉट्स लेंगे
और डोर्स को थ्रो डालेंगे इस सेक्टर के ऊपर। थ्रो डालने से वो वाले डोर्स जो इस सर्कल के अंदर लाइट करेंगे हम उनको काउंट करेंगे, और वो वाले सर्कल जो हमारे इस वो वाले डॉट सॉरी जो इस सर्कल से बाहर इस स्टेयर के अंदर लाइट यहाँ पे आपके लाइट करेंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे, और इसके थ्रू हम एस्टीमेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे जो कि बेसिकली यूज किया जाएगा आपके पाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं मोंटी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू पाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक यूनिट स्क्वायर है जिसके अंदर हमने एक सर्कल इन स्ट्राइप सर्कल ड्रा करेंगे, इसका रेडियस हमारे पास 1/2 है। सो द एरिया जो होगा हमारे पास सर्कल का वो पाई बाय 4 होगा, और जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या है हमारे पास 1 × 1 = 1। सो वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ, जब इसमें सब्सिट्यूट की 1 × 1 = 1। सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर डॉट विल लैंड इन द इन स्ट्राइप सर्कल इज ऑब्वियसली पाई बाय 4 द रेशियो ऑफ द टू एरियाज। तो ये हमारे पास रेशियो है टू एरियाज की, और ये हमारे पास कैसे आई है जी, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट जो इस सर्कल में लाई करेंगे वो हमारे पास अपसाइड होगी, दैट इज पाई आर स्क्वायर ओवर जो हमारे पास टोटल एरिया है 4 R² सॉरी ये है 1/1 है, ये 1 आ गया। तो देन जब इसके अंदर सब्सिट्यूट 1/2 का स्केल लिया तो ये पाई बाय 4 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि रेशियो को रिप्रेजेंट आ रही है। सो वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पाई, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट आ रही है, रेशियो को, ठीक है। तो हम यहां से अब जितने टोस करेंगे, एन इज द टोस, जितने भी डॉट हमने थ्रो की, लेट से हमने 100 टाइम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जिनमें से 95 डॉट्स जो है वो सर्कल में लाई किए और रिमेनिंग 5 जो है लेट से वो स्क्वायर में लाई किए। हम रेशियो कैसे निकाल लेंगे जी प्रोबेबिलिटी की, लाइक एम ओवर एन कह रहा हूं मैं इसको, लेट से टोटल 100 है और जिनमें से 95 जो है वो आपके इस सर्कल में डॉट के, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियसली कवर किया, और ये मेरे पास पाई बाय 4 है। तो ये जो रेशियो आ जाएगी दैट इज पाई इज इक्वल टू 4p जो कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट आ रही है, क्योंकि ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं कैप ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी कैप ऐड कर रहा हूँ, और जितने टाइम हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसके लिए यहाँ पे एन आ जाएगा। लाइक 200 टाइम परफॉर्म किया तो मुझे 200 लार्ज नंबर जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे जो कि फाल करेंगे इस यूनिट स्केयर में, और वो वाले नंबर्स जो इस सर्कल को अंदर फाल करेंगे, वो वाले डोर्स जो इस सर्कल में फाल करेंगे हम उनको काउंट करेंगे और उसकी रेशियो कैलकुलेट कर देंगे ओवर द टोटल एरिया, और हमारे पास पाई का जो एस्टिमेट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी आप नंबर इसमें ले रहे हैं वो प्योरली रैंडम नंबर होंगे जब जो कि हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू जनरेट करेंगे। ओके जी, अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सपोज कि मैंने 500 टाइम डॉट्स को फॉल किया अपने यूनिट स्केयर पे, और जिनमें से 397 जो हैं वो पॉइंट्स हैं या वो डॉट्स हैं जो मेरे इस सर्कल के अंदर लाई गई हैं। देन हमने जो एस्टिमेट है पी हैट ऑफ एन इज इक्वल टू 0.794 ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये एस्टिमेट किस तरह से आएगा जी आपके पास, इसमें आप क्या करेंगे, आपने सिंपल जो डॉट्स फॉल किए हैं सर्कल में डेट इज 397 उसको आप डिवाइड कर देंगे 500 पे, तो आपके पास एस्टिमेट की वैल्यू आ जाएगी 0.794। वो डॉट्स जो आपके इस सर्कल में लाई कर रहे हैं जैसे मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डॉट्स की वैल्यू से तो ये एस्टिमेट की वैल्यू आ जाएगी पी हैट की। इसको आपने सिंपली जो आंसर आया डेट इज 0.794 मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.176, दैट्स नॉट टू बैड। तो हम करीबन उसके पाई की वैल्यू के करीब करीब ही हैं। तो ये जो राइट साइड पे आपको ग्राफ है ये आपको
डिफरेंस जो है, वेरिएबिलिटी जो है आपके डॉट्स की पाई वैल्यूज के दरमियान, वो इंडिकेट यहाँ पे हो रही है जो इस पाई वैल्यू के दरमियान है। तो 8.3 तो क्या वैल्यू थी, जैसे जैसे आपकी पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आप देखें यहाँ पे वेरिएबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। सो अब हम इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे एक्सेल के अंदर, लेकिन एक्सेल में परफॉर्म करने से पहले मैं आपको यूनिट इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। द फर्स्ट थिंग कि हाउ वुड कंडक्ट सच एन एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम सिमुलेट करेंगे डॉट को जिसको हमने टॉस किया है, और वी आर अज्यूमिंग दैट जो भी डॉट हम टॉस करेंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 0 to 1, एंड दे आर ऑल्सो आई आई डी मीन आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर टॉसिंग, और यू कैन से फॉर सिमुलेटिंग द एक्सपेरिमेंट। लाइक जो रेंडम नंबर आपका आएगा, लाइक जो डॉट आप टॉस करेंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और आई आई डी होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट प्रॉपर परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है रैंडम नंबर्स के लिए जनरेशन की, कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। दो प्रॉपर्टीज हैं रैंडम नंबर की, एक वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द इंटरवल, जो भी आपका इंटरवल है, इन दिस केस इज 0 1, और वो आई आई डी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। सो वी कैन एक्चुअली देन रिप्रेजेंट, इफ दीज टू प्रॉपर्टीज आर मेट for met, then we can represent the random position of the dot on the unit state. तब हम random position जो है dot की unit state के अंदर वो हम represent कर सकते हैं using the unit circle equation या distance formula के through. अब u1 is the dot जो आपका fall करेगा किसी एक position पे, उसको minus कर देंगे 1/2 over whole square plus u2 minus 1/2 होल स्क्वायर, इट शुड बी लेस देन 1/4। अगर इन आंसर का, इस सिचुएशन का आंसर जो इसकी वैल्यू है वो लेस देन है 1/4 की, इट मींस कि वो पॉइंट आपका इस सर्कल के अंदर लाइट आ रहा है। ये जो इक्वेशन है ये जनरलाइज फॉर्म है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो यू कैन से कि हम यूनिट इक्वेशन या डिस्टेंस फार्मूला जो आपने अपनी प्रीवियस एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यू कैन से एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सिंपल यही इक्वेशन है जिसको यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन की हुई है या यहाँ पे राइट की हुई है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये जो डॉट आपका फॉल करेगा इस यूनिट स्क्वायर में, उस पॉइंट को माइनस कर देना है आपने इस जो इस सर्कल का रेडियस की वैल्यू है, दैट इज 1/2, ये 1/2 स्क्वायर प्लस दिस। तो अगर ये वैल्यू लेस देन है आपके 1/4 के, तो हमने पीछे प्रोपोर्शन पढ़ा था, दैट इज π/4, पाई तो हमने कैलकुलेट करना है इसलिए वो दूसरी साइड पे, तो 1/4 उससे कम है, इट मींस कि आपका जो डॉट है वो इस सर्कल के अंदर फॉल कर रहा है। सो we have to generate n such pair of uniform and count up how many of them fall in the circle and then plug into the pi estimate like 4 times p hai. So hum kya karenge ji, hum estimate karenge un sub points ko jo aapke is circle mein lie karenge, aur then usko multiply kar denge us estimate se jo humne previously perform explain kiya maine, that is 4 times पी है। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखें मेरे पास वही एक्सपेरिमेंट को अगेन मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्लेस कर रहे हैं पॉइंट को रैंडमली क्वाड्रेंट में, देन आप कंप्यूट कर रहे हैं उनका डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस ग्रेटर देन है रेडियस से या नहीं, अगर तो यस है इट मीन्स के पी जो डॉट है वो आउटसाइड ऑफ द सेंटर लाइट आ रहा है, और अगर उसका डिस्टेंस ग्रेटर देन नहीं है रेडियस के, इट मीन्स के जो पी है वो इन साइड लाई कर रहा है आपके सर्कल के। अब हम एक्सेल के थ्रू इस सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है
यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो एक रेंज जो है वो डिफाइन की है। रेंज का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे यूनिट स्केल लिया है, तो यूनिट स्केल के लिए मैं यहाँ पे इसकी रेंज -1 से 1 कंसीडर कर रहा हूँ। सेम फॉर एच एंड द वाई एक्सिस, सेम फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। जब मेरे पास ये यूनिट स्केल बन जाएगा तो मेरे पास ये सब नंबर ऑफ डॉट्स हैं, और देन मैंने अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो ड्राइव किए हैं फॉर एक्स एंड वाई वैल्यू, एंड देन जो सर्कल है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, जो मैंने यूनिट इक्वेशन या डिस्टेंस इक्वेशन आपको प्रीवियस स्लाइड पे एक्सप्लेन की है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया, और देन फेरेबल आउटकम्स को काउंट किया, तो मेरे पास पाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो चले हम एक्सेल के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं, और ये मेरे पास एक्सेल की फाइल है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेंज डिफाइन कर दी -1 से 1 फॉर द एक्स एंड फॉर वाई -1 to 1। ये मेरे पास नंबर ऑफ डोर्स हैं, मीन कितनी टाइम मैं एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करूँगा, और देन मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो इस स्केयर के लिए यूनिट स्केल के लिए मैंने ड्रा किए हैं, इसके लिए मैंने फार्मूला क्या यूज़ किया है, मैं एक्सेल का रैंड फंक्शन जो वो यूज कर रहा हूँ, जो कि एक रैंडम वैल्यू दे रहा 0 और 1 के दरमियान, और देन मुझे उन वैल्यूज को फॉल करवाना है -1 से 1 के दरमियान। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, सिंपल इस सेल को डेट इज B3 इस वैल्यू को -1 को प्लस किया है डिफरेंस के अंदर डेट इज 1 -1। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1 -1 इज इक्वल टू डेफिनेटली -1 प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 -1 दैट्स इक्वल टू 1। और जो रैंडम नंबर होगा उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पे रैंडम फंक्शन की आ जाएगी एक्स कोऑर्डिनेटली। देन मेरे पास अगेन वाई के लिए भी सेम मैंने फार्मूला यूज किया है, बट इस टाइम रेंज जो है वो मेरे पास वाई एक्सिस की यूज हो रही, तो मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई के आ जाएंगे। आफ्टर दैट हमने सर्कल को ड्रा करना है, और सर्कल को ड्रा करने के लिए हम यूनिट इक्वेशन जो कि हमने ड्रा की थी उसके थ्रू पॉइंट को फाइंड करने के, हाउ इफ दिस वैल्यू, मतलब ये जो मेरे पास रैंडम नंबर है या जो डॉट है ये इसका हमने यहाँ पे स्केल किया प्लस वाई, जो ये मेरे पास वाई है, इन स्केल की वैल्यू इज लेस देन 1। यहाँ पे क्योंकि हम यूनिट स्केल ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 1 है, मीन जो रेडियस है सर्कल का वो 1 है। इफ इट इज लेस देन 1 देन यहाँ पे जो एच का पॉइंट है वो शो करवा दो, अदरवाइज यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करवा दो। तो यहाँ पे अब आप देखें ये 0 आ रहा है और यहाँ पे भी 0 आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपके इस सर्कल से बाहर लाइट आ रहे हैं। बट यू कैन नोटिस जब भी मैं एंटर प्रेस करता हूँ या एडिट करता हूँ अपनी फाइल में तो ये वैल्यूज चेंज हो रही है, क्यों, ड्यू टू द वोलेटाइल फंक्शन ऑफ एक्सेल, लाइक जो रैंडम फंक्शन है वो वोलेटाइल फंक्शन होता है, और एवरी टाइम जब भी आप कोई एडिटिंग कर रहे हो एक्सेल में या कुछ भी एंटर प्रेस करो उस सूरत में आपका ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यू सारी रेक्टेंगुलर के लिए और सर्कुलर के लिए मैंने कंप्लीट कर दी। देन फेवरेबल आउटकम्स के लिए जो मैंने फार्मूला यूज किया दैट इज इफ दिस वैल्यू लाइक B10 वैल्यू स्केयर प्लस C10 स्केयर, मतलब x स्केयर प्लस y स्केयर वैल्यू इज लेस देन 1, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए अदरवाइज 0 चाहिए। इन फेयरेबल आउटकम्स में से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फेयरेबल आउटकम्स आ जाएंगे जब मैं इनको सम करूंगा, जो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वो आउटकम्स हैं जो मेरी इस सर्कल के अंदर फॉल कर रही हैं। टोटल जो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो मैंने 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें मैंने टोटल 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, जिनमें से 7,885 डॉट्स ऐसे थे जो मेरे इस सर्कल में लाई गई हैं। देन इसकी हमने रेशो जो है वो कैलकुलेट की एज वी ऑलरेडी डिस्कस, और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ और हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई 3.15। देन अगेन डू इट और ये देखें 3.14। तो ये हमारे पास एक मेथड है यूजिंग द मोंटी कार्लो सिमुलेशन, हमने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यूजिंग द रैंडम नंबर्स कि हम पाई की वैल्यू को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो पॉइंट
फूड फॉर थॉट या इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए वो यही है कि जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा आप अप्रोक्सीमेशन के करीब होते जाएंगे और आपके एरर के चांसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। और ये जो मेरे पास फिगर है सर्कल की और स्पीयर की, वो कैसे ड्रा की है, फॉर स्पीयर मैंने ये दो रेंजेस कंसिडर की हैं और फॉर सर्कल जो मेरे पास इक्वेशन है वो यहाँ से आ जाएगी। लाइक अगर आप यहाँ पे तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस की सीरीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे ये फॉर यूनिट स्क्वायर, और फॉर सर्कल मेरे पास ये एक्स और वाई की वैल्यूज है जिनको मैंने यूज किया है अपनी इस चार्ट को बिल्ड करने के लिए। और ये आप देखें ये सब बेसिकली जो चार्ट है मेरे पास वो यहाँ पे मैंने इसका ये स्कैटर्ड प्लॉट यूज किया हुआ है। तो जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे बिल्कुल डॉट्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, और ये जो माइनर माइनर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है अगर मैं इसको 20,000 टाइम करूंगा तो मेरे एरर जो है और ज्यादा कम हो जाएगा और ज्यादा मैं अप्रोक्सीमेशन के करीब हो जाऊंगा। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि मोंटी कार्लो सिमुलेशन किस पे बेस्ड आ रही है, आपकी रैंडम नंबर के ऊपर बेस्ड आ रही है। जो भी रैंडम नंबर है मतलब जो आपके पास आप रैंड फंक्शन को यूज करके बना रहे हैं या डिफरेंट एल्गोरिदम को यूज करके बना रहे हैं या डिफरेंट रैंडम टेबल्स के थ्रू वैल्यूज को पिक कर रहे हैं उसके थ्रू हमने आगे अपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, सूडो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, रैंडम नंबर्स को जनरेट कैसे करते हैं, इसके कौन कौन से मेथड कौन कौन से एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, इन सब की डिटेल्स लेटर ऑन हम इस कोर्स के अंदर पा रहे होंगे जिसमें हम जाके फर्दर रैंडम नंबर्स को किस तरह से जनरेट करते हैं, उसकी टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, देन हमारे रैंडम वेरिएट्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से टेस्ट करते हैं और किस तरह से हमारी एंटिटीज जो है वो सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में क्रिएट की जाती हैं यूजिंग द रैंडम नंबर, वो हम सब चीज़ें लेटर ऑन अपने इस कोर्स में फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। सेम अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, और इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास जो मैंने इंटीग्रेट करना है वो एक्स को इंटीग्रेट करना है जिसकी रेंज मेरे पास 0 से 5 तक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे मोंटी कार्लो के थ्रू सिमुलेशन करेंगे अपने इंटीग्रल की, इंटीग्रल फंक्शन की डेट इज एक्स। तो वी नो डैट के जो एक्स है उसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई 2, और मेरे पास जो रेंज है इंटीग्रेशन की डेट इज 0 to 5। तो जब मैं इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डेट इज 12.5। सो फ्रॉम द लिटरेचर और फ्रॉम एलिमेंट्री क्लास वी नो डैट द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12.5 विद द गिवन रेंज डेट इज 0 to 5। सो अब हमने इसी प्रोसीजर को मतलब इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू को यूज इन द मोंटी कार्लो सिमुलेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन डूडल पे जाके सिंपल अगर आप ग्राफ लिखें एक्स का, तो एक्स का जो ग्राफ होगा वो हमें पता है कि वो कुछ इस तरह से होता है। जो भी एक्स का यूनिट की वैल्यू आप लेंगे वो ग्राफ आपको इस तरह से शो होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे ग्राफ बना भी होगा एक्स का। अब हमारे पास क्या करते हैं, हम अगेन एक स्केयर एक कंसीडर कर लेते हैं रेक्टेंगल जिसकी रेंज मैंने 0 से 6 और 0 से 5 एक्स एक्सिस के लिए 0 से 5 और वाई एक्सिस के लिए 0 से 6 तक की डिफाइन की है। सो वाई की जो रेंज की वैल्यू है ये आपके ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर आप इसको यहाँ पे 5 भी करना चाहें तो 5 भी ले सकते हैं तब भी कोई इशू नहीं रहेगा। नोइंग डैट कि हमारे जो ये इंटीग्रल की रेंज है 0 to 5 जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के थ्रू लाइक आ रही है ये आपकी इस रेंज में कवर होनी चाहिए, तो आप इसको लेट्स से 7 भी कंसीडर कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन वो सब डॉट्स या वो सब रैंडम नंबर या वो सब पॉइंट्स जो आपके इस एक्स ग्राफ के अंडर लाइक करेंगे, जो एरिया आपका इस अंडर होगा इस लाइन के साथ वो पॉइंट्स जो है हमारे लिए एक्सेप्टेबल पॉइंट्स है, और वो सब डॉट्स जो इस रेंज से बाहर जो अपसाइड लाइट आ रहे हैं वो हमारे पास एक्सक्लूडिंग पॉइंट्स होंगे। तो ये टोटल एरिया जो होगा, जो टोटल पोर्शन होगा उस रेशियो से हमारे पास फिर अगेन जो एरिया अंडर द कर्व है हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा, वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी
मोंटी कार्लो सिमुलेशन की हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगेन यहाँ पे सेम फार्मूला मैंने यूज़ किया है, रेंट का एक्सेल के अंदर रेंट का फंक्शन यूज़ किया है और देन मैंने जो रेंज की वैल्यूज है वो उस फंक्शन में यूज़ किया, एग्जैक्टली जैसा हमने पाई की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया था। एंड देन फॉर द केस ऑफ वाई अगेन सेम फार्मूला यूज़ किया, बट दिस टाइम रेंज जो है वो मेरे पास वाई की यूज हुई है। देन अब मुझे यहाँ पे कंडीशन जो है वो डिफाइन करनी है, लाइक अगर मेरी ये वैल्यू एक्स की वैल्यू लेस देन है B12 से, मतलब जो मेरी ये एक्स की जो ये वैल्यू आ रही है सेकंड कॉलम की दैट इज C12 इज लेस देन B12, देन मुझे यहाँ पे B12 शो करवा दो, अदरवाइज जीरो शो करा दो। और अगर मेरी अगेन ये वैल्यू लेस देन है इस सेकेंड टर्म से, लाइक ये जो मेरी फर्स्ट रेंज की वैल्यू है एक्स की इज इक्वल टू जीरो, अगर वो इक्वल टू जीरो है तो मुझे जीरो रिप्रेजेंट कराओ, अदरवाइज मुझे ये वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट कराओ। तो लाइक ये वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे देखें ये कंडीशन के मुताबिक इज D4 इज इक्वल टू जीरो, सो वी पुट इट हेयर जीरो। इफ दिस वैल्यू इज नॉट जीरो देन वी पुट इट हेयर द वैल्यू ऑफ वाई फंक्शन। तो सेम हमारे पास ये कंडीशन और जो रैंडम नंबर की जनरेशन थी वो आ गई। अब हमने वो पॉइंट्स देखने हैं जो इस एरिया में लाई कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व जो कि एक्स का ये ग्राफ है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, इफ दिस E12 वैल्यू इज इक्वल टू जीरो देन पुट इट हेयर जीरो, अदरवाइज पुट इट हेयर वन। तो ये वो वैल्यू है जो आपकी इस एक्सिस के अंदर लाई कर रही है, तो हमने यहाँ पे वन शो करवा दिया। अब ये वो वैल्यू है जो यहाँ पे लाई नहीं कर रही अंडर द कर्व, उसको हमने जीरो कह दिया। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो वो सब आ जाएंगे। अगेन अब हमने जिस तरह यूनिट स्केल का एरिया फाइंड किया था उसी तरह से हमारे पास जो रेक्टेंगल की यहाँ पे विड्थ है दैट इज 0 to 5 और 0 to 7, लाइक 5 times 7 इज इक्वल टू 35। तो ये मेरे पास एरिया आ गया इस रेक्टेंगल का। अब टोटल जो मैंने डॉट्स थे या जो मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं दैट इज 1449, जिनमें से 3831 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस पॉइंट में लाई कर रहे हैं। लाइक ये जब आप इन सबको सम करेंगे यहाँ पे, ये देखें काउंट इफ का फंक्शन लगाए, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 या आप सम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ये टोटल एक्सपेरिमेंट्स हैं जितनी टाइम हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। तो हमारे पास मोंटी कार्लो के थ्रू एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा जी, दैट इज प्रोबेबिलिटी की रेशियो जो के है J6/J5 मीन द पॉइंट दैट इज लाइज अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल पॉइंट्स लाइक जितनी टाइम आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, देन मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया के साथ। सेम वही फार्मूला जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही एरिया अंडर द कर्व की 12.8, एक्चुअल वैल्यू इज 2.5। देयर शुड बी और इट मस्ट बी कि आपकी इस वैल्यू के अंदर एस्टिमेट में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेशन मोंटी कार्लो इंटीग्रेशन के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक ये देखें आप 12.5 एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही है। इसी तरह से आप अगर यहाँ पे रेंज 5 भी कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ये होगा कि ये आपका अपस्केयर बन जाएगा रेक्टेंगल से, ठीक है। सो इन दिस वे हम यहाँ पे मोंटी कार्लो की मदद से इंटीग्रेशन जो हम सिंपल कैलकुलस के थ्रू करते हैं। अब इन को पढ़ाने का मतलब ये है नहीं है कि हम इंटीग्रेशन को मोंटी कार्लो के थ्रू करेंगे, बेसिकली मोंटी कार्लो को हम यूज तब करेंगे जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो जाएगी। लाइक कोई हमने एस्टिमेट की वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे आगे चल के हम जो अभी क्वीन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, न्यूज वेंडर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि हम किसी एक पॉइंट को एस्टिमेट करते हुए किसी हद तक जनरलाइज कर सकें अपने रिजल्ट्स को। अल्टीमेटली जो एडवांटेज है वो तो वही है। तो यहाँ पे इसको करवाने का मतलब यही था कि हम थोड़ा सा देख सकें कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को भी मोंटी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के लिए करेंगे। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर के फंक्शन की वैल्यू है और अगेन सेम प्रोसीजर हम यूज करते हुए जैसा हमने यहाँ पे परफॉर्म किया सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज होगा। हमारे पास इसके भी मोंटी कार्लो के थ्रू इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी।